इससे पहले तो आप लोग कहीं मछली मछली पकड़ने के लिए नहीं गए थे भैया, आज आप मछली पकड़ने क्यों निकल पड़े? देखो भाई, ये इज्जत का सवाल है। तुम लोग दूसरी जगहों पर जाते हो ना, वहाँ तुम्हारी इज्जत का कबाड़ा नहीं देख सकता मैं, इसीलिए मैं तैयार हो गया हूँ। क्या यार, हमें कुछ नहीं पता, ये सोच के बेवकूफ बना रहे हैं हमको। क्या कहा? नीचे गिरी चीज को तुम उठा के नहीं दे सकते, मैं कहूंगा तभी उठाओगे तुम लोग। दोबारा अगर कोई चीज गिर जाती है तो उसे उठाकर देने की जिम्मेदारी तुम सबकी है। चलो उठाई से। ये लीजिए भैया। चलो सर। चलो। ये लीजिए भैया। मुझे जमीन मांगी तो पत्थर उठाकर दे रहा है, बेवकूफ कहीं का। मैंने तो उठाने के लिए कहा था। भैया फ्लो में निकल गया, क्या करूं? चल। अरे मूंगफली दे रहे, जल्दी दे तेरी जात का। अरे भैया पूरा मान जाएंगे। सारे छिलके इसी में डाल दिए। तो कहा था नीचे गिरी हुई चीज उठाने के लिए, तो इसका मतलब सारा कचरा उठाकर इसी में डाल दोगे तुम लोग? क्या नहीं उठाना है आपने हमें बताया था क्या? भाई साफ साफ बताओ क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना है। ऊपर वाला बताइए, आधी खोपड़ी वाला भी ऐसा काम नहीं करेगा कभी। सुनो भैया, ज्यादा आगे मत बढ़ो, मुझे सब पता है। आपको लाठी का खेल सिखाने वाला मैं हूँ। नीचे से क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है ये मुझे मालूम है, देख लेना मेरा दिमाग। अरे स्वामी पेपर निकाल, चल ला दे जल्दी। अरे जल्दी झुक, जल्दी से पेपर पर साइन करो। अपना मुंह बंद रख तू। नीचे से क्या उठाना है, पैसे उठाने हैं, कपड़े उठाने हैं। तेरे पेट के ऊपर क्या लिख रहा है? हाँ सब तुम्हारी वजह से, तुम टाइम पर नहीं आई इसलिए। ये लो। हाँ मैं तो रेडी हूँ, तू रेडी है क्या? ऐसे कपड़ा नीचे करते हैं, फिर उसे धीरे से पकड़ के उठाते हैं। ये कई काम से? हाँ आराम से आराम से। अरे अरे फंस गया फंस गया। क्या हुआ तुम्हें? पैर फंस गया। ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे ही खड़े रहो, मैं देखता हूँ। लगता है कांटा है। हाँ ऐसे ही खड़े रहो, हिलना मत। मैं निकाल रहा हूँ। दर्द हो रहा है। अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बाबा हम मछली पकड़ रहे हैं। वो पकड़ रहा है या तुम पकड़ रही हो? इसने यहाँ बुलाया था। क्यों, इस तालाब में तो मछली नहीं है तो कहाँ से पकड़ोगे? क्यों, तालाब की मछली को संभाल के पकड़ना पड़ता है, समुद्र की मछली को भी पता नहीं तुम लोगों को? क्या यार, तेरा भाई तो कुछ ज्यादा ही भोला है। पाँव में कांटा चुभा नहीं था, फिर भी उसे लगा कि कांटा चुभ गया है। तो खुली जा रही थी। चलती हूँ। ये तो बहुत चालाक है। अब चलो 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 चलो। बचाओ! बचाओ मुझे! भैया निकालो मुझे! कोई नहीं निकालेगा, कोई भी नहीं उठाएगा। कैसे निकालेगा? अरे पेपर निकाल, जल्दी जो। रुपया गिरे तो उठाना, टोपी गिरे तो उठाना, रुमाल गिरे तो उठाना। सिरे उठा, तेरी क्या क्या? तुम कीचड़ में गिरोगे तो उठाने के लिए लिखा है क्या? नहीं लिखा ना? सही बोले इसने। रुको सोचने दो। मुझे निकालो यहाँ से। देखो अगर हमने तुम्हें बचाया तो वो रूल के खिलाफ होगा, फिर तुम बाहर आके हम सबको खूब मारोगे, हम जानते हैं। अरे कीचड़ मुझे अंदर खींच रहा है, निकालो मुझे यहाँ से। हैं? तुमको तो कराटे कुंग फू सब कुछ आता है ना, अपने आप बाहर आ जाओ भाई। बाहर निकल जाओ। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? अरे तुम आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, रुको मेरी बात सुनो, आगे मत जाओ। देखो तुम आगे नहीं जा सकती, तुम हमारा रूल नहीं तोड़ सकती हो, रुको। ये लो पकड़ो इसे। ये भी है ना, तुरंत कपड़े उतार कर तैयार हो जाती है। तुम
सब निकम्मे हो। तुम लोग मुझे बचा नहीं सकते थे क्या? अगर हम आपको मिलाते तो ये मिलन कैसे होता भाई? हाँ बोलो। तेरी थोड़ा अच्छा मौका मिला है, क्या चांस है। अरे सुनो ना, मेरे पीछे है ना चार पांच गुंडे पड़े हुए हैं और वो ना इसी तरफ आ रहे हैं। तुम मुझे प्यार करने की एक्टिंग करो ना। प्यार करना होगा नहीं तो वो मेरा रेप कर देंगे ना। तुम्हारा अरे नहीं, सब कर रहे। ओ भाई लोग जरा इधर आओ। क्या हुआ? किसने बुलाया यार? अरे इधर आओ, चलो देखते क्या हुआ भाई। रेप करो इसका। क्या बोल रहा है यार, पागल हो गया क्या? अगर हम इसका रेप करेंगे तो आप आके हमें पीट दोगे। ये लड़की आपसे इंप्रेस होगी और बाद में आई लव यू बोलेगी। ऐसा ही होता है भाई, हम लोग चलते हैं, मजे करो। बाय, नमस्ते। ये सब लोग बेचारे डर रहे हैं, तुम भी ना। खाना खुद ब खुद तुम्हारे सामने आके थाली में परोस दिया जाता है और तुम की खाना खाने को तैयार नहीं। तुम्हें कुछ पता ही नहीं, एक नंबर के पप्पू हो, पूरा टाइम वेस्ट। ये क्या बात कर रही है? पावर हाउस के बड़े बल हो कह रही है। लेकिन तुम ट्यूबलाइट हो भाई, भागो रे भागो। सुनो, उसने लव किया, इसने लव किया, ये कहानी मुझे मत बताना। तुम सिर्फ फिल्म की कहानी बताओ। हीरो को एडवांस देने के लिए गया था मैं। अरे अरे क्या रहा है? अरे छोटे बच्चों को क्लास में सिखाने के लिए ये जगह मैंने कम भाड़े पे ली थी। आज तुम लोग मेरे पेट पर लात मार रहे हो। आज मैं नहीं जाऊंगा, आज अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। आज तो भाड़ा देना ही पड़ेगा, आज मैं भाड़ा लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो भाई खड़े हैं ना, उनके पेट पर नहीं जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो? अरे मैंने भाड़ा मांगा, मुझे मरवा रहे हो, ये गलत बात है। मैं भाड़ा लिए बिना भैया से किराया मांगने क्यों आए हैं? अरे कल ये फिल्म में एक्टिंग करने के लिए गया था, वहाँ जो बोरा भरकर पैसा मिला उसका क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ ये एक्टिंग नहीं कर सकता है। जो एक्टिंग नहीं कर सकते, भोला बनकर जो एक्टिंग किया था उसका क्या हुआ? इसे पता चल गया क्या? सर नमस्ते सर। सर हमने आपको फिल्म में लेने की बात की थी और आपने मना कर दिया था। मैं डायरेक्टर हूँ और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब है। वैसे सर मैंने बहुत ही रोमांचक कहानी तैयार की है आपके लिए, अगर आप काम करेंगे ना तो स्टार बन जाएंगे। और एक बात बताऊं, अगर आप हमारी फिल्म में एक्टिंग करेंगे ना तो पूरे भारत के लोग आपकी बात को फॉलो करेंगे। आप अगर तमिलनाडु में सबके पैर पकड़ कर समझेंगे ना तो हर कोई आपको नहीं समझेगा सर। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि हमारी फिल्म में काम कर लीजिए सर, बहुत भला हो जाएगा। अरे प्रोड्यूसर साहब समझाइए ना। आप इस फिल्म में काम करो सर, आप जो जनता से कहना चाहते हैं आपकी आवाज़ भारत के हर कोने में पहुंच जाएगी। कल गाने का शूट करेंगे सर, आप खुद गाना लिखो, उसी पे हम शूटिंग करेंगे सर। बिल्कुल करेंगे। एडवांस दे दीजिए ना सर, एडवांस भैया। ऐसे तो बहुत दिन हो गए। मुझे इससे भाड़ा लेना है, मैं बोलता हूँ ये एक्टिंग करेगा और जरूर एक्टिंग करेगा। नेक्स्ट डे शूटिंग बार में रखा तो धमाल मचाया होगा। हाँ तुमको अंदर किसने आने दिया? और बताओ कौन हो तुम? मैं भिखारी हूँ साहब। अरे भिखारी हो तो बाहर जाके भीख मांगो ना, अंदर क्या कर रहा है? चलो मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ साहब, मुझे लेकर फिल्म बनाइए। तेरा डांस देखकर भगवान ने तुझे ये काम दिया है और तुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ, बहुत अच्छा नाचता हूँ। क्या तुम भिखारी हो कम मत समझना, सिम कार्ड छोटा होता है लेकिन उससे पूरी दुनिया में बात कर सकते हो। तुम्हारी फिल्म रुक भी सकती है, फाइनेंस के लिए तुमको मेरे पास ही आना पड़ेगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि भिखारियों का भी एक अलग बैंक है। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। डायरेक्शन डिपार्टमेंट का 18,000 रुपया, कैमरा डिपार्टमेंट का 25,000 रुपया, एवी के और ये सब मिला के 55,000 रुपया, प्रोडक्शन के लिए बिरयानी, हीरोइन का स्पेशल खाना, फल जूस, कॉफी, टी और खाना मिला के हो गया 45,000। टोटल 1.5 लाख रुपया होता है और आज गोकुलाष्टमी है तो वो डबल मिला के हो गया टोटल 3 लाख रुपया। ये क्या है, एक दिन के काम के लिए 2 दिन का कोई पैसा देता है क्या? ऐसा कहीं चलता है क्या? सर आपको ना फिल्म लाइन के बारे में कुछ पता नहीं है। अरे ये सब तो फिल्म इंडस्ट्री का रूल है सर, फिल्म इंडस्ट्री का रूल। अरे क्या रूल है, बोलते हो पिक्चर बनाएंगे है? ये बोल के बुलाते हो और धोखा देते हो। किसने बोला सर हम धोखा देते हैं? किसने बोला हम धोखा देते हैं? आप जैसे नए प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री में आकर हम जैसों को बदनाम करते हैं। सर बाहर के लोगों को क्या चाहिए आपको? सर पैसे कुछ नहीं है देने के लिए, जाओ यहाँ से। जा रहे ना, चिल्ला क्यों रहे हो? बड़े बात कर रहे हैं तो डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। आप चालू रहिए। शहर में जो भी लोग आते हैं वो भूखे नहीं सोते हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ पे उनको, लेकिन आप लोग बदनाम कर रहे हैं। सर आप बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं, ये सारी बातें बिल्कुल सही नहीं है, जरा आराम से बोलो। हाँ मैं पहले ही बता देता हूँ, आराम से बोलो नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अभी आपने क्या फैसला किया मुझे बताओ, क्या फिल्म लाइन में ऐसा ही चलता है लोगों को बेवकूफ बनाने का? ज्यादा मत बोलिए सर। ज्यादा तो आप बोल रहे हैं। आपने आते ही पैसा दे दिया तो 3 लाख रुपया, अभी टाइम हुआ है 6:30, इसलिए 3 पूरा और टोटल 4.5 लाख रुपया दीजिए। सर सर क्या हुआ सर? सर अरे सर कुछ नहीं होगा सर। सर सर क्या हुआ सर? सर अरे क्या हुआ आपको? अरे 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 कोई है यहाँ पे? ठीक है पैसे ले लेता हूँ, बाकी आगे मैनेज कर लूंगा, मैं जा रहा हूँ। ये मेरी दोनों पत्नियां मुझे कर लाई थी उस दिन। Ha 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 ha!
इन दोनों को संभालना मुश्किल है, लेकिन फिल्म बनाना बहुत ही आसान है। वो अच्छी फिल्म थी, कुछ लोगों के हाथ में फंस करके तकलीफ सहन कर रही है। अपने अन्ना जी उसी दिन कह रहे थे, यूनियन इज द यूनियन, सोचने से कुछ काम नहीं होता, घर में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों भाई, हम लोग बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? ये सब बकवास छोड़ो, पहले ये बताओ डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर कहाँ है मैं नहीं जानता, लेकिन हीरो कहाँ है मैं जानता हूँ, चाहो तो मिल सकते हैं। क्या फैसला किया है? हमारे भारत देश में जो हक तुम्हारा है वो हक मेरा भी है। देखो भाई, हमारे इस देश में स्वतंत्रता का हक सभी गरीब लोगों के लिए भी है। हम सब पॉलिटिशियंस हैं गरीब लोगों के लिए। मैं तो पद में आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं अपने सीनियर का गुलाम हो सकता हूँ, लेकिन आप तो बहुत बड़े हो। सुनो, मेरे दादा कौन है? एमपी हैं। मेरे पिताजी कौन है? एमपी हैं। मेरे भैया कौन है? एमपी हैं। तो मुझे सिर्फ एमपी का भाई बनकर रहना चाहिए क्या? देखो भाई, आप बस एक फोन कर दीजिए तो मुझे एमपी के लिए एक सीट आराम से मिल जाएगी बस। और मेरे एमपी आपको भड़क गए, बैठ जाइए बैठ जाइए। भाइयों, मुझे एमपी की सीट नहीं चाहिए, चलिए चलते हैं। इनको ही एमपी रहने दो। चलो चलो नेताजी, आप बहुत सालों से एमपी रह चुके हैं, इस छोटे से कार्यकर्ता की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। बाहर जाकर यह खबर दे दो कि नेताजी को बात करते करते अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। जाओ। मैं जी बोल रहा हूँ। उस फिल्म डायरेक्टर का कुछ पता चला क्या? पार्टी में अभी एमपी साहब अपना स्पीच देने वाले थे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ काम आ गया था। चलो उठाओ। तो वो टांग अड़ा रहे थे, अगर वो फिल्म रिलीज हो गई ना तो समझो मेरी जिंदगी खत्म। देखो, उस फिल्म के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, मैंने काफी पूछताछ की है, मुझे लगता है कि कोई तुम्हारा दुश्मन है जो फिल्म डिपार्टमेंट में तुम्हारे खिलाफ चुगली कर रहा है। समझाने या बताने की जरूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। उस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को यहाँ पर भेज दो, उनकी जो फिल्म है ना वो मैं अपने हाथों से जलाऊंगा। ठीक है। शांत रहना। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो सर। मिस्टर कुमार, तुम इस वक्त कहाँ और क्या कर रहे हो? डिस्टर्बेंस सर। सर, फुल चेकिंग सर। नेक्स्ट चेकिंग वहाँ है सर। हाँ सर, हाँ सर, नेक्स्ट टाइम वहाँ रहेगा सर। सुनो, जरा जल्दी करो, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। कौन है सर? देखो, मुझसे सवाल जवाब मत करो, जो ऑर्डर दे रहा हूँ बस वही करो। सर, उसे तो आज ढूंढ के निकालेंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ, सीधे तिरुपति चलेंगे। दीदी जरा 500 रुपए दो, मैं पेट्रोल डाल के आता हूँ। ये लो भैया। अरे भगवान, दीदी आप खुश रहो। सर, आपकी किस्मत अच्छी है जो वो मिल गया। देखिए सर, अभी भी वो किसी को लूट के जा रहा है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे बाप रे, तुम लोग अंदर कौन बैठा है? बाहर निकलो, निकलो बाहर निकलो। अरे ये क्या है, ये क्या है सर? हैं, मुझसे आधी फिल्म करवा ली और उसके बाद फिर आप भाग गए। अरे आप फिल्म चालू करके चले गए, उसके बाद पब्लिक इनसे पूछ रही कि फिल्म कब रिलीज होगी कब रिलीज होगी। आपकी वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। आधी रुकी हुई फिल्म को पूरा करने के लिए क्या करना है ये बताओ। मैं भी अपनी फिल्म पूरी करना चाहता हूँ, मैं भी शूटिंग पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम है। कहाँ से पूरी होगी सर? आपका सारा काम हम कर देंगे, डांस भी करेंगे, फाइट भी करेंगे, बस आप फिल्म पूरी कर दीजिए। अच्छा सुनो, उस दिन जो शूटिंग स्पॉट पे एक भिखारी ने विजिटिंग कार्ड दिया था ना, उससे जाकर हमें एक बार मिलना चाहिए। कल नहीं, आज ही मिलेंगे सर। इस मंदिर में देख लेते हैं, अगर नहीं मिला तो दूसरे मंदिर में चेक करेंगे। अरे चलते तो है। डायरेक्टर साहब, भिखारी मिल गया। डायरेक्टर साहब, कुछ दे दो बेटा। भिखारी को ढूंढने आए हैं। इज्जत से बात करो, भिखारी नहीं बोलने का। भिखारी बोलना गलत बात है क्या? भिखारी नहीं तो बोलने क्या का बोलना चाहिए बताओ। पानी पूरी। पानी पूरी, इसका क्या मतलब है? पानी पूरी क्या है, मैं कैसे बताऊं ये? पानी पूरी का मतलब पाप निकाल कर पुण्य देने वाला होता है। तुम लोग पाप करने के बाद पैसा दान देते हो, और देखो मेरी हालत कैसी हो गई है,
तुम लोगों का पाप होते होते देखो देखो मेरी हालत। इधर उधर की सड़ी गली चीजें खाकर आज इसकी हालत ये सड़े हुए आम की तरह हो गई है। पता नहीं ये जिंदा कैसे बचा हुआ है। सुनो रे गरीब डायरेक्टर, मुझे बुला रहे हो? इस विजिटिंग कार्ड वाले अमीर भिखारी को ढूंढने आए हो ना, मंदिर के पीछे उसकी BMW गाड़ी खड़ी है, वहाँ चले जाओ। जाओ ठीक है, ठीक है, चलते हैं। मिला था उसका एड्रेस बता दिया, चलो यहाँ से। पानीपुरी सर, क्या आप ही हो वो पानी पूरी? या, 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 चाहे कोई भी धंधा करो, उस धंधे की इज्जत करो, तभी वो धंधा चलता है, उस धंधे में बरकत होती है। अरे वो गेटअप कैसे किया था सर? ये तो बहुत सिंपल है। देखो, एक अखरोट लिया, यहाँ गाल के अंदर डाला, ऐसे मुंह फुलाया, उसके बाद थोड़ा लाल काला पीला कलर लगाया, और वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? सर आपने जो बोला था ना वैसा ही हुआ, फिल्म रुक जाएगी और तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, कहा था ना आपने। वेल डन, वेरी गुड। तुम्हें पता है एक बहुत पुरानी कहावत है, जायदाद खरीदो तो सात समुद्र पार करके। अब मेरा ये कहना है कि भले ही भीख मांगो लेकिन पिक्चर कंप्लीट करो। अरे वाह, सुभान अल्लाह, वल्ला वल्ला, क्या बात कही आपने। या हबीबी, कैसे सोचते हो आप ये सब? ओके ओके, अब ये बताओ फिल्म कम्प्लीट करने के लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए? इतना भी चाहिए सिर्फ एक बार में बता दो। कम से कम 50,000 रुपए। 50,000? 40,000 भी चलेगा। 60,000 चलेगा क्या? अरे आप तो भगवान। अरे दर्शन जरा, चल अपने लड़के को जरा मैसेज तो भेज। है तो ये भिखारी लेकिन लैपटॉप पे काम करता है। ये सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही है? सर 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 सर, कमाल है ये सब आपको देख के सर सर क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्ला नहीं रहे, अपनी मोहब्बत जता रहे हैं। अगर वो नेता कहे तो इसका मतलब है वेरी ओल्ड पर्सन, और अगर ये सब लोग मिलकर किसी से अपना प्यार जताना चाहते हैं तो ये लोग कहते हैं सर सर सर। अब इन लोग का यही स्टाइल है तो क्या कर सकते हैं? देखो भाइयों, ये लोग फिल्म बना रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म। हम भी फिल्म में एक्टिंग करेंगे। ए, फिल्म में काम करना मजाक समझते हो क्या? आज कौन सा सीन करेंगे? डायरेक्टर साहब, आज कौन सा सीन करेंगे? सीन सर, फाइट फाइट, मुझे फाइट बहुत पसंद है, फाइट फाइट।